जय श्री माता जी। आजकल के बच्चे खाने से जी चुराते हैं, उनका कुछ भी हेल्दी खाने को मन नहीं करता है और इसी कारण से वो बड़े ही परेशान रहते हैं कि कैसे खाएं, और माँ उनसे ज़्यादा दुखी रहती है क्योंकि बच्चे अगर कुछ नहीं खाते हैं तो माँ के सिर में वैसे ही दर्द होने लगता है कि मेरे बच्चे ने कुछ नहीं खाया। और जहाँ तक हेल्थ की बात आती है, अगर बच्चे सारे दिन बाहर का खाएंगे, जंक फूड खाएंगे तो वो बीमार पड़ जाएंगे, तो यही सोच सोच कर सारी माएँ परेशान रहती हैं। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और इजी रेसिपी लेकर आई हूँ मूंग की दाल की, जो बनाने में तो इजी है ही और साथ में बच्चों की हेल्थ का भी हम ध्यान रख सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, खाने में टेस्टी है, बनाने में आसान है और बच्चों को बहुत पसंद आएगी, ये मैं 100% की गारंटी लेती हूँ। तो आओ फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं आज ये मूंग की दाल की नई रेसिपी। ये देखिए, देखने में कितनी टेस्टी और टेम्पटिंग लग रही है और ये झटपट बनकर तैयार हो जाती है, इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। एक कटोरी मूंग की दाल को पूरी रात भिगो कर रख दिया था, अब इसको साफ पानी में धोकर इसको मिक्सी जार में डालकर इसको हम ग्राइंड करेंगे। इसको हम पानी डालकर पीस लेंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट हम बना लेंगे। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ स्टफिंग के लिए मैंने कुछ सब्जियाँ कट करके रखी है, उबले हुए आलू लिए हैं दो, इनको अच्छे से मैश कर लिया है। यहाँ पर शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है और ये यहाँ पर अपनी ये मूंग की दाल को पीस लिया है। अब ये अपने उबले हुए आलू लेंगे, इसके अंदर हम अपनी ये सारी सब्जियाँ मिला देंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो स्टफिंग के लिए अगर रात को कोई आपकी सब्जी बची हो तो आप उसकी भी स्टफिंग कर सकते हैं। तो इस रेसिपी में कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैं स्टफिंग कर रही हूँ आपको वो करनी है, आप चाहें तो इसमें पनीर की भी स्टफिंग कर सकते हैं, जैसे स्टफिंग आपके बच्चे खाना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब इसमें मैंने आलू में मिला ली है। अब इसमें मैं लाल मिर्च, नमक, गरम मसाला मिलाकर इसको अच्छे से अपने मैश को तैयार कर लूंगी। अब हमने जो ये मूंग की दाल पीस कर रखी है, इसमें हम एक इनो का पाउच मिलाएंगे और थोड़ा सा नमक मिलाएंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इनो मिलाने से हमारा जो ये बैटर है वो फूल जाएगा और हमारे मूंग के दाल के स्टफ चीले बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब एक नॉनस्टिक पैन लेंगे, उस पर हम इतना ये बैटर फैलाएंगे। अब यहाँ पर मैंने बैटर को फैला दिया है, अब इसको 2 मिनट के लिए ढक के रखेंगे। जब ये सिक जाएगा तब हम इस पर अपना जो मैश है सब्जियों का वो डालेंगे और ऊपर से फिर इसको दोबारा से कवर कर देंगे। फिर इसको हम ढक कर रखेंगे और अब इसको हम अलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए, हमारा मूंग का दाल का स्टफ चीला बनकर तैयार हो गया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ये हेल्दी है, खाने में टेस्टी है और बनाने में बहुत ही इजी है।